हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। एनसीईआरटी क्लास 6 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत स्वामी और लोह स्तंभ। मरुत स्वामी आज बहुत खुश था। पहियेदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ, और वहीं पर जो है लोह स्तंभ बना हुआ है, उसके सामने ले आया। धूल भरी पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो जो कुतुब मीनार में लोह स्तंभ है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबा और टिन को मिलाया, तो मैंने आपको बताया था कि तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनता है, कांसा बनता है। तो जो शिल्पी थे हड़प्पावासी, उन्होंने कांसा बनाया तांबा और टिन को मिलाकर। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि जब हमने पढ़ा वैदिक काल, तो जब लोहे की खोज नहीं हुई थी, और उत्तर वैदिक काल यानी उनका उत्तराधिकारी, तो लोह युग से संबंधित थे। लोहे के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो चलिए लोहे के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो लोह स्तंभ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र, ये दिल्ली में बना हुआ ये लोह स्तंभ है, और 3 टन से भी ज्यादा जो है इसका वजन है। अभी तक इसमें जंक नहीं लगी है, ये इसकी सबसे ज्यादा खास बात है। लोह स्तंभ जो है मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है, तो याद रखना 7.2 मीटर, और वजन जो है वह कितना है, 3 टन, ठीक है, इससे भी ज्यादा है। इसका निर्माण जो है वो कब हुआ, तो 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोह स्तंभ है, इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, चंद्र नामक जो शासक थे उन्होंने करवाया था, गुप्त वंश के जो थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंक नहीं लगा है, तो ये जो है इसकी अद्भुत बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, टीला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, टीला। हालांकि स्तूप जो है वो विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो ये शब्द आया था स्तूप, ठीक है। तो जहां स्तूप के अंदर जो है एक ऐसा डिब्बा रखा होता था, जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके जो अनुयायी थे, उनकी जो कुछ अवशेष जो है, ठीक है, वो रखे रहते थे, उनकी पूजा करते थे ये लोग। उस समय जो है महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी पूजा नहीं होती थी। तो तब हमने देखा था, एक थी हीनयान शाखा, ठीक है, बौद्ध धर्म की थी हीनयान शाखा। तो उस समय महात्मा बुद्ध के अवशेषों की पूजा होती थी। उसके बाद जब महायान शाखा आई, तो उस समय महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा होने लगी। तो उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा होता था, चाहे गोल स्तूप हो, लंबे हो, छोटे बड़े हो, लेकिन एक समानता थी कि स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि उनके दांत हो गए, हड्डी है, राख है, ठीक है, या उनके द्वारा कोई भी चीज जो है वो प्रयुक्त हो रही है, कीमती पत्थर है, सिक्के है, उसमें रखे रहते हैं, इन्हीं की वो पूजा करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, धातु मंजूसा, ठीक है। धातु मंजूसा किसे कहते हैं, तो याद रखना, स्तूप के भीतर जो एक डब्बा रखा होता था, जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे होते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, धातु मंजूसा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, ठीक है। तो पहले तो मिट्टी के टीले बनते थे, लेकिन बाद में टीले को जो है ईंटों से ढक दिया जाता था, ताकि और सुंदर लगे। और बाद के काल में उस
गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। जैसे जैसे विकास होता गया बौद्ध धर्म का, वैसे वैसे जो है लोगों ने अपने तरीके से और भी अच्छा जो है स्तूप बनाने के बारे में सोचा। पहले मिट्टी के बने, उसके बाद इनको ईंटों से ढक दिया गया, और उसके बाद जो है इनको सुंदर जो है तरासे हुए जो पत्थर है उनसे ढक दिया गया। ठीक है, अब आप साइड में जो है ये देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो कितना सुंदर ये लग रहा है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, एक रास्ता बना होता था। ये जो आप देख रहे स्तूप है, इसके चारों ओर एक जो है वो परिक्रमा करने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं मंदिरों में, भगवान जो है जहां पर विराजमान होते हैं उनके चारों तरफ क्या करते हैं, गोल गोल जो है घूमकर परिक्रमा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है इन स्तूपों के बाहर भी जो है परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे क्या कहा जाता था, प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे कहा जाता था वेदिका। ये सब अर्थ जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। स्तूप किसे कहते हैं, ठीक है, टीला जो होता है उसको कहते हैं। धातु मंजूसा किसे कहते हैं, जिसमें जो एक बॉक्स होता है स्तूप के अंदर, जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष होते हैं, उसको कहा जाता है धातु मंजूसा। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं, तो स्तूप के चारों ओर जो परिक्रमा लगाने के लिए एक जो रास्ता बना होता है गोल, उसको कहते हैं। वेदिका किसे कहते हैं, तो प्रदक्षिणा जो पथ है, इस रास्ते को एक रेलिंग से घेर दिया जाता है, उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में जो है प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों में सजे होते हैं। नेक्स्ट देखो, मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती को ढूंढो। तो मैप में हमने पहले ही देख लिया था पिछले अध्याय में शायद, कि जो आंध्र प्रदेश है वहां हमने देखा था अमरावती है। ठीक है, और आप भी दोबारा देखना, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो आरंभिक हिंदू मंदिरों में किन भगवान की पूजा होती थी, तो याद रखना है विष्णु, शिव, दुर्गा। ठीक है, ये तीन नाम जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, तो आप इनको ध्यान में रखना। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वह था गर्भ गृह। ठीक है, तो ये गर्भ गृह जो है वह था जहां पर जिस देवी का जो मंदिर है, देवता का जो मंदिर है, उसकी मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित जो है वह धार्मिक अनुष्ठान जो है, जो कर्म कांड है वो करते थे, और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे कहते थे शिखर। ठीक है, जो चोटी सी बनी होती है उसको क्या कहा गया, शिखर। तो भीतर गांव जो मंदिर है वह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और ये सबसे कहते हैं कि सबसे जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रारंभिक जो है वो मंदिर कहा जाता है। ठीक है, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिर जो होते थे उसमें मंडप, ये वो वाला मंडप नहीं है जहां पर दूल्हा दुल्हन का विवाह होता है, ये वो मंडप होता है जहां पर जो है लोग इकट्ठा होते हैं, ये एक तरीके की जो है वो सभागार होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हो बाएं ऊपर चित्र है, ये रहा भीतर गांव मंदिर। ठीक है, तो ये आरंभिक उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है, और ये कब का है, ये 1500 साल पहले। पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है, और दाईं तरफ जो है वो महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, यानी कि एकास्मिक यानी कि एक ही जो पत्थर है उसको काट कर जो है वो बनाया गया है। ये देखो, ये जो मंदिर है ये जो है वो एकास्म मंदिर है, और ये एक ही पत्थर जो है उनको काट कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो इस पत्थर को काट कर एक मंदिर बन गया, फिर एक जो ये बड़ा पत्थर है इसको काट कर जो है इसकी कटाई, इसमें डिजाइन वगैरह डालकर ये एक मंदिर बन गया। तो एकास्म मंदिर जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, महाबलीपुरम का। ठीक है, इनमें प्रत्येक मंदिर
एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल अलग है। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए गए मंदिर जो है उनको क्या करेंगे, एक जो पत्थर है उसको ऊपर से नीचे के क्रम में काटते हुए आएंगे। ठीक है, तो ईंटों का मंदिर और पत्थर का जो मंदिर है, चट्टानों का जो मंदिर है, उसमें अंतर यही हुआ कि ईंट जो होती है वह तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती है, ठीक है, मंदिर, और जो पत्थर से बनाए गए हैं, जो एक पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं, तो पहाड़ी को तो ऊपर से काटकर जो है वो बनाया जाएगा। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। तो देखो, हमने जब मैप देखा था तो दक्षिण भारत में हमने महाबलीपुरम भी देखा था, ठीक है, और ऐहोल जो है वह भी हमने देखा था। दोबारा से मैप को देखना। इन शहरों में पत्थरों से बने हुए उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें से कुछ जो है वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये देखो, ये भी एक पहाड़ी को जो है वो काटकर बनाया गया है। अंतर जो है पूछा जा सकता है ईंटों से बने मंदिर और जो चट्टान है उसको काटकर बनाए गए मंदिर में, मुख्य अंतर क्या है कि जो ईंटों के मंदिर हैं वह नीचे से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, एक ईंट रख के उसके ऊपर एक ईंट रख के, ठीक है, और जो चट्टानों से बना मंदिर होता है उसको ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया जाता है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनाने का निश्चय करते थे। अब आम आदमी तो जो है इतना खर्चा वहन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर सामने आते थे राजा और रानी, तो वही धन खर्च करते थे। पहला काम क्या था कि अच्छे किस्म के तो पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। तो जो हमने देखा कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो देखो पहले तो पत्थर ढूंढना पड़ता था, ठीक है, और उसके बाद जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है शिलाखंड जो है यानी कि पत्थर के जो खंड है उनको पहुंचाना पड़ता था। तो ये बहुत मुश्किल भरा काम है, और उस टाइम जो है वो इस तरीके की जो मशीनरी है वह तो नहीं होती थी। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम होता था, ठीक है। तो ये जो है मुश्किल का काम जो है होता था, बहुत इतना सरल नहीं होता था। ये देखो, ये एक क्या है, ये एक पूरी चट्टान है, पूरा जो पहाड़ समझिए, ठीक है, इसको काट कर जो है बनाया गया होगा ये मंदिर जो है। तो बाएं तरफ जो है उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस दो मंजिल इमारत को बनाया गया है। एक मंजिल भी नहीं, ये दो मंजिला है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे, ठीक है। नीचे जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है, क्या तुम यहां देख कर बता पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? तो ये देखो, ये क्या है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में एक मूर्ति है, उसका चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से वो लोग जो है वो पत्थरों को तराश कर और उनकी जो है कटाई छटाई और डिजाइन जो है वह कर रहे हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाला श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माल बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों तथा रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इनको बनाने सजाने में अपना योगदान दिया होगा। तो जो भी चीजें बनाई गई तो उसमें जो है उनका नाम भी जो है लिखा गया ताकि लोगों को पता लग सके कि ये जो चित्र है वह इसको बनवाने में जो है किसने खर्च किया, किस शिल्पकार ने इसको बनाने में सहयोग किया। चित्रकला मानचित्र 7 में जो है अजंता को ढूंढो। तो अजंता जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं, विहार यानी उनके रहने की जगह। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया, यहाँ उनके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल से भी चमकदार हैं,
ठीक है। तो जो लोह स्तंभ हमने देखा वह भी 1500 साल पुराना है, ठीक है। और फिर हमने भीतरगांव का जो आरंभिक मंदिर देखा यूपी में, वह भी 1500 साल पुराना है। और अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई तो वह भी जो है कितने साल पुरानी है, 1500 साल पुरानी है। ये रंग जो है, जो अजंता में चित्रकारी की गई उनमें जो रंगों का प्रयोग किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में आ चुकी है, पौधों तथा खनिजों से बनाए गए ये रंग, ठीक है। तो ये रंग जो है किससे बनाए गए, पौधों से और खनिजों से। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो है वो अज्ञात हैं, ये नहीं पता है कि इनको जो है किसने बनाया है। ये देखो अजंता के गुफाओं में जो चित्रकारी की गई, कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है, और आप सोच भी नहीं सकते कि इनमें जो है पौधों से जो है रंग तैयार किया गया, ठीक है, खनिजों से रंग तैयार किया गया और तब ये बनाए गए। तो ये याद रखना है, 1500 साल पुराना है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं, देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है और जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। किसने रचना की है इसकी, तो इसकी रचना जो है इलांगो नामक एक कवि ने की है। और यह जो महाकाव्य है ये एक कोवलन नामक व्यापारी की कहानी बताता है। कहानी क्या है कि ये जो व्यापारी है पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर, यानी इसको अपनी पत्नी पसंद नहीं थी, और इसकी उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी जो थी उससे प्रेम करने लगा। बाद में और वह और कन्नगी पुहार छोड़कर कहाँ चले गए, मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन जो व्यापारी है उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने इसको प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी उस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का ही विनाश कर डाला। तो ये जो महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, ठीक है, तो इससे लिया गया एक वर्णन है। यहां कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सात्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, कन्नगी बोल रही है, मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूं। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां के राजा की तलवार निर्दोष नवांगंतुक के प्राण ले सकती है, ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरीके से जो है कन्नगी के दुख का वर्णन जो है ये जो तमिल महाकाव्य है इसमें किया गया है। तो ये वर्णन तो आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि ये जो तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम ये किसकी रचना है, किस व्यापारी के लिए ये लिखी गई है, वो व्यापारी जो है वह किससे प्रेम करता था। ये तीन लाइनें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलई। इसको करीब 1400 साल पहले लिखा गया सतनार द्वारा। इसमें कोवलन, ठीक है, तो ये वही कोवलन है, कोवलन जो व्यापारी है, तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो उसमें तो कोवलन और जो उसकी प्रेमिका है उसकी कहानी थी, ठीक है, और इसमें मणिमेखलई जो है इसको लिखा है सत्यनार ने, और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक भी हैं जैसे कालिदास हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। तो मेघदूत का एक श्लोक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ ही लेता है। तो मेघ यानी बादल और दूत यानी संदेश वाहक, ठीक है। तो इसमें जो है प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति प्रेमी है कालिदास, इस श्लोक में हम ये देखेंगे। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो यहाँ पर कालिदास ने जो वर्णन किया है तो कालिदास को हम प्रकृति प्रेमी कह सकते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो पहले से प्रचलित हैं इसी काल में लिखी गई, उनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु,
शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि, राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर जो पुराण हैं सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराण का अर्थ ही क्या है? प्राचीन। और हमें पता है कि प्राचीन समय में जो है संस्कृत भाषा चलती थी, ठीक है। तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं अधिकतर पुराण, जिसमें सब उन्हें सुन सके और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी उस समय, वे भी इसे सुन सकते थे। यानी पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन ये सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और एक है रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय है। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य जो पुरु वंश है इसकी राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया, ठीक है। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, तो भगवद गीता जो है महाभारत का ही एक अंश है, जिसमें कृष्ण भगवान जो है उन्होंने अर्जुन को जो है उपदेश दिया है कि जो भी रिश्ते नाते हैं उनको जो है वो भूल कर युद्ध के लिए तैयार रहो, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था 14 वर्ष का। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी थी और वे विजय होकर कौशल की जो राजधानी थी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप प्रदान किया गया और जिसे संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं वाल्मीकि, ठीक है, इसके रचनाकार माने जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो इसमें ये पूरे पैराग्राफ में आपको याद रखना है कि रामायण के जो रचयिता हैं वह वाल्मीकि हैं और महाभारत के जो रचयिता हैं वह व्यास ऋषि है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना, कहानियां तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो तब तक जो है जो भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया इनको आप जो है वो अपने दिमाग में रखिए। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, बुक है तो वहां पर जो है वो आप इनको अंडरलाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।